आज हम हॉस्टल में सुबह उठे और उठते ही हमारा दिन खराब क्योंकि हॉस्टल में पानी नहीं था। बता क्या कह रही है। वैसे मैं नहा ली सी 5 बजे, उठन जल्दी उठन दे फायदे। और मैं भी नहा ली क्योंकि मैं लेट उठी हूँ 11 बजे। साढ़े ब्लॉक में पानी आ रहे हैं और मतलब बीच में हमारे ब्लॉक में भी नहीं आ रहा था और लेकिन अभी आ रहा है। जब पहले उठी थी थोड़ी देर के लिए तब नहीं था पानी, पर फिर मैं जब दोबारा का सो ही जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। पर जब दोबारा उठी तो पानी आ गया। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, स्ट्राइक हो रही है वहाँ पे। हम ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है तो दिखाते हैं क्या होता है स्ट्राइक में। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। वैसे यार असी बहुत टाइम तो इत्थे रहने हैं, बहुत कम ऐसे इश्यूज आते हैं पानी वाले, वरना रोज पानी मिल ही जाता है। अब भी क्या हुआ अर्श, थोड़ा होया कि सारी मोटर सड़ गई, एक मोटर ही चल रही है, करते शाम को सारा पानी खत्म हो जाऊगा। मतलब सारी मोटर्स खराब हो गए हैं इसलिए बाकी ब्लॉक्स में पानी आ रहा, सिर्फ हमारे ब्लॉक में पानी आ रहा है, वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि सब वहाँ पे आ जाते हैं। हमें खुद को पानी नहीं मिल रहा था तो, और वैसे भी ये भी कब तक चलेगा। और पानी इज बहुत जरूरी। अब हम आ गए वीसी के घर के बाहर, यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲਾਤੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਰਸ਼, रह लेगी पानी के बिना, मैं तो जाने लगी हूँ घर आज। हमारे कुछ ही चंद लम्हे हैं यहाँ पे। क्या कह रही है, मैं मेरा घर भी नेड़े ही है, मैं भी लांग जाऊंगा। हाँ यार, जब इश्यूज आते हैं, मेरे भी कमरे का पंखा खराब हो गया था, हफ्ता मैंने वेट किया था, अब नया पंखा लग गया। बहुत ज्यादा चिर है, हफ्ता तो था ही, मतलब हफ्ता तो बिल्कुल। तो ये कहते हैं कमरे से रह रहे हैं, मतलब पहले इन्होंने बोला कि सामान लेके आओ, मैं सामान लेके आ गई, जो भी क्या होता है सेल कंडेंसर जो भी। तो फिर उसके बाद मैंने वो दिया तो ये कहते कि वो उससे नहीं चल रहा है, नया पंखा चाहिए, नया पंखा इनको मिला नहीं। फिर किसी ने ग्रांट दे दी बेचारे ने, तो मेरे कमरे में ब्राउन रंग का पंखा चला हुआ है। हाँ, अभी दान कितना हुआ किसे था, जिसने भी दान किया ना भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये सबसे बड़ा पुण्य है कि आपकी वजह से हमें हवा मिल रही है। और के? एक रब हुंदा जो अपन दिंदा हवा, दूजा ये बंदा सी। वैसे बहुत बुरा हाल है यूनिवर्सिटी का, कूड़ा नहीं चकदे हैगे, कूड़े दे विच सप्प आंदे ने जिहड़े कि मैनूं बहुत वार दिखदे ने, इहनूं बहुत वार दिखे। वैसे इत्थे दे सारे कर्मचारी जो ने वो बहुत ज्यादा मेहनती ने, सब तो ज्यादा मेहनती मैनूं माली भाई लगदे है ना, माली ते सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी भी बहुत सोहना काम करते, बट जिन्हां नूं पैसे नहीं मिलते फिर किसे दा नहीं जी करदा काम करन, फिर वो स्ट्राइक ते चले जांदे, फिर कूड़ा पिया रहिंदा। छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज है यूनिवर्सिटी, हम इस यूनिवर्सिटी को डीफेम नहीं कर रहे भाई, गालियां मत दो ना हमें, तो ये प्रॉब्लम्स था हाँ, हर जगह ये प्रॉब्लम्स होती हैं और हम अगर इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो ये सॉर्ट आउट भी नहीं होंगी कभी भी। मतलब ये तो बेसिक नेसेसिटीज है ना, कि आपको पानी ही चाहिए नहाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए। अगर एक बंदा वॉशरूम चला गया और पानी नहीं है तो उसके बाद कोई नहीं जा सकता, तो हम लोग कहाँ पे जाएं, मग्गे लेके क्या ये पीछे जंगलों में जाएंगे अब?
जितनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उससे ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। मैं एक फैसिलिटीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, मतलब हर जगह ही होती है यार, पर प्रॉब्लम्स डिस्कस करना इज़ अ गुड थिंग, तभी उस पर एक्शन लिया जा सकता है ना। हमें खुद को पता होना चाहिए पहले क्या प्रॉब्लम है, तभी हम एक्शन लेंगे कि हम उस पर काम करा सकें। चलिया करे नवु भैन जी ने अपनी वो पाली गरारी की, मैनू सूट दवा के जाओ, असि चले सूट लैन। कहती हूं तू मेनू इंपोर्टेंस नहीं दें, मैं बाहर फिल्म च लैने दिन पिछे रह गई सी। तेरे ब्याह से बाबे हमारा दस दस वाली अनकल लेके आवागी, कालिया कालिया दस दस वाली तो मिलनिया नहीं है, मिलने चाहिए 50 रुपए साढ़े 10 रुपए ही खर्चो मेरे ब्याह से भी तुसी पैसे ना ला लियो। पहला मुंडा तो लभ दो वाली, अनका तो लभ जानी है, अनका मैं तो वादू 100 वाली वादू 10-10 रुपए वाली ना वादू सारी इकट्ठिया लेके आवांगे आपां, सारे जने तेरे मम्मा मासी भूआ आपां सारे फ्रेंड्स सारियां लेडीज 10-10 रुपए वाले मुंडे ला दे पहला लाइन च, मैं देखा 100 वाली लावांगे, 100 वाली फिर असि वीडियो बनाओगे पहला तुसी मुंडा लब के दो मेनू, अपने चा पूरे कर रहे हो मेरे कदों होने ने परफॉर्मेंस तैयार कर दी हां, गाने पूरे तैयार है मेरे ता, मुंडा भी तैयार कर दो कोई तेरा घर वाला तक होगा। ओह माय गॉड मेरी साली इतनी तगड़ी डांसर, ओह माय गॉड डीआईडी च क्यों नहीं मैं तो उदो ही नजर पट्टू ले आऊंगी कि मोडे ते रख दिए दीदी ते किते होर नजर ला दे साडा जीजा, क्या मैं डांस किता रात नु 12 बजे सोच के भी भव्य दे ब्याह दी परफॉर्मेंस है ते एड्डा सोहना डांस होया एड्डा सोहने स्टेप निकले, तुसी रोज वीडियो बनाएगी मैं लो टी-शर्ट ची सीगी वीडियो बनाए करो रोज देखा करो भी होए काश मैं वैसे वीडियो बना लेंदी है ना, फिर बैकग्राउंड में वो चलाते हैं स्लीव चलाते डांस वाली, पर तन्नू किवें पता लगदा मैं ते हेडफोन ला के ना, अरे तू की करेंगी मेरे ब्याह ते तेरे की चाहने बहुत चाहने बहुत खाऊं मैं थोड़े ब्याह खाऊं साड़े मेनू भी पूछ लो मेरे की चाहने रसोई च ना बड़ी काम करना पड़ेगा नहीं नहीं आप कहते हैं कि सानू इग्नोर करो असि है नहीं सानू ज़ूम कर लो भी बच्चे है नहीं इत्थे आप डांस फ्लोर तो नीचे ही नहीं उतरना ओ मुंडे वाले की दफा ऊपर आ जाओ कोई चीज नहीं चढ़नी ये डांस फ्लोर से साड्डा उन्हें लिए छोटा लगवा दो साइड पे जीजा वाला व्लॉग मैं देखा ताकि ओनू अंदर जाके पता लगे रिंग जीजा जी रिंग याद है ना यार किवें दा मुंडा चाहिए जीजा तेनू नवू मुंदरी देवे
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਨਵੋ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ गुस्से होगी भावे लेट आओ जो मर्जी करो पहला ना क्या है अगला बढ़ूगा नहीं करे गंदिया वाइफ होंगे ना इंटरफेयरिंग मेरे वर्गी देखे नहीं है गुस्से वाले तो है मतलब मैंने ज्यादा किसी को कुछ कहते है ना पर मैं कह भी सकती हूँ जब मेरे को गुस्सा आया था बहुत बुरा आता मैं पहले डरा रही हूँ बाद चो वैसे उन्हें पता लग ही जाना यार मैं किवें दिया फाइंड आउट करना है खुद है ना मेरे को तो नॉर्मल सिंपल मेरे को सिंपल लोग ज्यादा पसंद है ना वैसे नहीं पर है नहीं मेरी मम्मी कहती है कि तू कहती है तुझे सिंपल लोग पसंद है पर तुझे है नहीं ऐसा मेरी मम्मी कहती है ऐसे देखते हैं कि हाँ सोना वगैरह मुंडा है दैट्स इट सोना तो जवान नहीं देखते ये कह देंगे ने वधिया होवे अंडरस्टैंडिंग होवे बस मेनु तो एवं चाचा होना चाहिए भैन साडी सोहनी है मैं तो यही चाहनी सोने सोने का मेनु कोई मतलब नहीं गा ना होया ना एहो जिहा ए व्लॉग देख के मैनूं बड़ा दुख लगूगा कि मैं की चाहुंदी सी की मिल गया फिर तुसीं दस्सिओ एक्सपेक्टेशन रियलिटी रील पायो फिर ओहनूं कह दूंगी चंद्रिया तेरी मेरे वर्गा भी हो सकदा है जिहनूं सोशल मीडिया पसंद है ज्यादा बट तू मेरे साथ तो ऐसे कर लेती है ना करते मेरे साथ कर ले ना चलाए मुझे क्या लेना पर दीदी हुन देखो हुन तुसी कैमरा चलाने लगे पहले तुसी फोटोज खिचदे से हुन कितनी सोहनिया खिचदे हो हां नवो नु हुन कितना शौक चढ़ गया तेनु फोटो खिचण दा एवें जिवें दा भी होवे बट डल जे मेरे रंगा च नहीं फिर यार देखो काला जादू करवाई है कि संतरी करवाई है हां नहीं तो काला जादू करा दिए एक काले जादू वाली बोली हुंदी है ना केड़ी हुंदी है जादू कर दूंगी मगर फिरेंगा मेरे जादू कर दूंगी मगर फिरेंगा मेरे असि बहुत बोलियां पानी थोड़े व्याह च मैं बोलियां पाऊंगी नचणगे एक दिन आप वो करनी है जागो वाली नाइट ये नवदीप कौर ढिल्लो अपने काम पे लगी है शॉपिंग ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਚੀ 1 ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਮੋਟਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 1 ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 1 ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ 1 ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 2 ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਯੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਟ ਯੈਸ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਘਰ ਔਰ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
और कोई काम नहीं है, उसको साथ ही पिज्जा खा लेती है, साथ ही फोन चला लेती है। हाँ मुझे तो है, मुझे तो है। चल भाग ले, पानी लेके आओ, पानी दफा हो, दफा वापस चल, डस्टबिन से उठा के लाए, तेरे को याद है ना, उधर ही चल, इसके साथ फेंकूंगी तेरे को। हो गया।